ही बार घर से बाहर निकले थे, कोई मोमबत्ती लेके, कोई हाथ में बैनर लेके निकला था ये सोच के कि इस देश में बदलाव किया जा सकता। हजारों कार्यकर्ताओं ने, जिनमें से कई यहाँ पे आज मौजूद हैं, अपने जिंदगी में सब कुछ छोड़ के, घर बार परिवार नौकरी धंधा छोड़ के अपनी आहुति दी थी इसके लिए। आज जिस एक मांग के लिए, बाकी वो आंदोलन बड़ा था, बड़ी चीजों के लिए था, बहुत बड़े बड़े इरादे थे, लेकिन उस आंदोलन की अगर एक मांग थी तो वो थी जन लोकपाल। आज रामलीला मैदान में जिस शिशु का जन्म हुआ था, वो आशा के जिस दीप का जन्म हुआ था, आज यहां से 2 किलोमीटर दूर दिल्ली विधानसभा के बंद कमरे में उसका गला घोंटने की तैयारी चल रही है। और अफसोस ये कि जो आज से 4 साल पहले जन्म के समय दाई का काम कर रहे थे, वो आज उसका गला घोंटने के चैलेंज में सबसे आगे। वो लाखों लोग आज सड़क पे नहीं है, उनमें से न जाने कितने लाखों का दिल टूट चुका है। बहुत लोग होंगे जब टीवी पे खबर आएगी वो टीवी ऑफ कर देंगे, गंदी बात देखनी नहीं, छोड़ो। कई लोग कहेंगे यार गलत चीज में फंस गए थे, मुक्ति हुई, छोड़ो। कई लोग विदेश में NRI देख के कहेंगे यार मैंने कहा था ना इंडिया में कुछ हो नहीं सकता, यहीं पे रहेंगे, वापस जाने की बात जो तुम प्लान बना रही थी ना, छोड़ो छोड़ो, यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। ये सब होगा। यहां जो छोटा सा समूह खड़ा है इस वक्त, उसकी जिम्मेवारी है कि उस दिए को बुझने ना दे। ये बहुत पवित्र जिम्मेवारी होती है जब तूफान चल रहा हो, आंधी चल रही हो, बचा के रखना और अपने आगे वाली पीढ़ी तक उसको पहुंचा के जाना। ये ऐसी जिम्मेवारी है जिसके लिए अगर हाथ जले तो हाथ जले, जान जाए तो जान जाए, उस जिम्मेवारी का निर्वाह करना होगा। और ये काम हमें करना है। हमने आज जिस चीज़ की शुरू की है वो 1 घंटे का खाली प्रोटेस्ट नहीं है जो हमने करके छोड़ दिया है कि चलो अब अपना काम पूरा होगा, कल खबर लग जाएगी, छोड़ो। नहीं, ये नहीं करना। ये जन लोकपाल के नाम पे जो धोखा हो रहा है, हमें ये होने नहीं देना है। बस ये